Celsius contemporary ideas, page number 267. करंट क्रिटिसिज्म, आपने हौसला करके बैठना है कि कुछ भी नहीं होने वाला, छोटे बच्चे हैं ये, ये वो कुछ भी नहीं होंगे, अगर आपको लगे पाँव को तो आप इजी रहे, टेंशन ना ले, ऊपर पहले भी ऊपर रखा हुआ। करंट क्रिटिसिज्म पेज 267, ट्रेजी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज। नाउ इस टॉपिक में, इस हेडिंग के नीचे हम ये स्टडी करने वाले हैं ट्रेजी के बारे में, मौजूदा दौर के आइडियाज क्या हैं, ट्रेजी के बारे में मौजूदा दौर के आइडियाज क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आज इस दौर की जो ट्रेजी है, जो मौजूदा ट्रेजी है, दैट इज़ नॉट अ ट्रेजी, क्योंकि ट्रेजीज की तमाम कन्वेंशनल एलिमेंट्स को पूरा नहीं करती, ये ट्रेजी की डेफिनेशन के बिल्कुल मुनाफी किस्म की ट्रेजीज हैं जो आजकल की हैं, इनको कोई और नाम देना चाहिए, ट्रेजीज का नहीं देना चाहिए। आइए देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए राइटर ने हमें सारा बैकग्राउंड बताया है और बताया है कि ट्रेजी किन किन मरहल से गुजरती हुई आज यहाँ तक पहुँची है। ट्रेजी के डेफिनेशन के ऊपर निश्चय के असरात हैं, ट्रेजी की डेफिनेशन के ऊपर हीगल के असरात हैं, ट्रेजी की डेफिनेशन पर शोपेनहावर के असरात हैं। तो ट्रेजी उसने आपको बता दिया है कि इस वक्त निश्चय से होती हुई किस स्टेज पर आई हुई है और कंटेम्प्रेरी आइडियाज क्या हैं। लेट्स सी द एसे, ट्रेजी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज प्रेजेंट्स अ डिबेट ऑन ट्रेजी इन रिलेशन टू द कंटेम्प्रेरी आइडियाज। ट्रेजी और मौजूदा दौर के आइडियाज जो हैं उसके साथ, उसके हवाले से ये एक डिबेट प्रेजेंट करती है ये ऐसे जो है। द राइटर हैज डिस्कस द फोर एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। ट्रेजी के अंदर ट्रेजी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिस तरह के राइटर अरिस्टोटल ने कहा था देयर शुड बी ऑर्डर, ऑर्डर इन व्हाट सेंस, ऑर्डर इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज वेल बिगनिंग मिडल एंड एंड, ये ऑर्डर में आता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी ऑर्डर में आता है। और एक्सीडेंट, वहाँ पर वो जो मामला, जो जहाँ पर कोई हादसा पेश आता है, कोई कोलिजन होता है, उस जगह को उन्हें एक्सीडेंट का नाम दिया गया है। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। अब ये एलिमेंट, इनके बारे में डिसीजन नहीं, उसे ये टॉपिक डिस्कस किए हैं कंटेम्प्रेरी आइडियाज के साथ रिलेट करके, कौन कौन से, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, द इररिपेयरेबल एक्शन, पेज नंबर 267, सेकंड पैराग्राफ अभी शुरू किया है, थर्ड में बात कर रहे हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, द इररिपेयरेबल एक्शन। ट्रेजी के अंदर जो एक्शन होता है वो इररिपेयरेबल होता है, खास तौर पर हीरो का, वो आखिरी सीन पर, इडिपस इज द बेस्ट एग्जांपल इररिपेयरेबल एक्शन का, उसे जो कुछ भी किया उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा, अनडू नहीं कर सकते आप, इररिपेयरेबल इसे कहते हैं। मैंने उसकी एग्जांपल ग्रीक से दी है कि इररिपेयरेबल एक्शन होता क्या है, मैंने सिर्फ ये बताया है, हमें अभी ये डिसीजन नहीं किया कि इररिपेयरेबल एक्शन मॉडर्न ट्रेजी में होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस किस्म का होगा, अगर है तो उसके क्या फायदे हैं, अगर है तो क्या नुकसान है, ये विलियम डिस्कस करेगा, एंड इट्स कनेक्शंस विद डेथ, इररिपेयरेबल एक्शन, और फिर क्या उसके बाद डेथ का होना भी जरूरी है, लाजमी है ये, और इररिपेयरेबल एक्शन का डेथ के साथ क्या ताल्लुक है, और उसे फोर्थ थिंग जो डिस्कस की है, द एम्फेसिस ऑफ इवल, इवल पर एम्फसाइज किया गया है। अब ये पॉइंट्स हैं जो उसने डिस्कस किए हैं, किस टॉपिक में, किस ऐसे में, वो ऐसे जिसका टाइटल था ट्रेजी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। इट इज जनरली सेड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन एवरीडे ट्रेजीज,
ये कहा जाता है कि एवरीडे ट्रेजडीज के अंदर कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है, बिकॉज द इवेंट इटसेल्फ इज नॉट ट्रेजिक, क्योंकि इवेंट ही ट्रेजिक नहीं है, ओनली बिकम सो, बस वो ट्रेजिक हो जाता है विद द थ्रो आर शेप रिस्पॉन्स, शेप रिस्पॉन्स। आजकल ट्रेजडीज के अंदर कोई चीज़ ट्रेजिक नहीं है, लेकिन उसे उसके रिस्पॉन्स को ख़ास तौर पर शेप्ड किया जाता है ताकि वो ट्रेजिक लगे। तुम लोग भी क्या चीज़ें, ट्रेजिडी ट्रेजिक नहीं है, उसका रिस्पॉन्स ट्रेजिक है। आजकल लोग ये कहते हैं ओ हैडा क्या है यार, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्या ट्रेजिक है उसके अंदर, बस आपने उस पर क्रिटिसिज्म करके उसे ट्रेजिक बना दिया है, आपने वहाँ पर स्टेज की कम्बिनेशन ऐसी रख दी है कि रिस्पॉन्स का ट्रेजिक ही आए। रिस्पॉन्स बराबर तवज्जो है, वो तो है सच, इंसिडेंट तो ट्रेजिक था ही नहीं, ये कह दिया जाता है। Williams does not agree to this view. He cannot see how it is possible to distinguish between an event and response to an event in any absolute way. Williams का सबसे पहला issue ये है, Williams कहता है event और response को हम distinguish कर ही नहीं सकते, उन दोनों चीज़ों को अलग अलग ले ही नहीं सकते, कैसे अलग अलग लें उनको, response को अलग event को अलग, ये एक ऐसी ब्रिज है, एक ऐसी वेव है जो इकट्ठे ठहरी हुई है, ये दोनों अगर एक चीज रिस्पांस है तो रिस्पांस का एक सिरा अगर करेक्टर ऑडियंस के अंदर है, दूसरा सिरा उसका ऑडियंस के अंदर है, एक्शन है एक्शन का एक सिरा अगर करेक्टर के अंदर है तो दूसरा सिरा ऑडियंस के अंदर है। बहरहाल विलियम कहता है कि रिस्पांस और इवेंट या एक्शन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। In the case of ordinary death and suffering, आम जो suffering होती है या आम death होती है, when we see mourning, जब हम mourning मातम देखते हैं and lament देखते हैं उस पर and suffering देखते हैं, sorry, when we see people breaking under their actual loss, जब अपने नुकसान के ऊपर लोग breaking रो रहे होते हैं, we have entered tragedy, तो हम tragedy में दाखिल हो जाते हैं। अब वहाँ पर देखें कि सामने करेक्टर की डेथ हुई है, ट्रेजी वो है या उसके ऊपर मातम है या फिर मातमियों को देखना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल रोना नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को एक ख़ास एटमॉस्फेयर में बिठाकर एक ख़ास किस्म की मजलिस सुनाई जाए जिसके अंदर आप जुल्म व सितम देखें, तो आप फौरन उस माहौल का हिस्सा बन जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा उस वक्त। अदर रिस्पॉन्स आर ऑल्सो पॉसिबल सच एज इंडिफरेंस। अब एक रिस्पॉन्स ये है ट्रेजेडी का, एक शख्स मर गया है, आम डेथ हुई है, उस पर कोई रो रहा है, अब उस रोने में ट्रेजेडी है या उसके मरने में ट्रेजेडी है, लेकिन कुछ लोग तो रो रहे हैं उस पर, चलो जी आप उसकी ट्रेजेडी में शामिल हो गए, इसे आप ट्रेजेडी कह लेंगे जी, कुछ लोग रो रहे हैं या मातम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ऐसे भी तो हैं जो कि इनडिफरेंस शो करते हैं, जो कि लापरवाही शो करते हैं, जस्टिफिकेशन वाले रिस्पॉन्स भी तो होते हैं, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले। कुछ लोग कहेंगे जस्टिफिकेशन एंड रिजॉइसिंग, कुछ लोग खुश भी होंगे उसके मरने पर, बट वेयर वी फील द सफरिंग वी आर विद इन द डायमेंशन ऑफ ट्रेजेडी, लेकिन जहाँ हम सफरिंग फील करते हैं वहाँ हम ट्रेजेडी की डायमेंशन में होते हैं, यानी कि ट्रेजेडी की सीमत में होते हैं, हम ट्रेजिक होने जा रहे होते हैं जहाँ सफरिंग देखते हैं। हाँ डेविड विलियम का, और जो बात करेगा अभी बात तो उसने शुरू किया, बट अ बॉन्ड फैमिली, अब उसने एक सीरे में बात की है, उसे कहा है कि रिस्पॉन्स ट्रेजिक नहीं हो सकते, ट्रेजिक के रिस्पॉन्स डिफरेंट होते हैं, पहली बात उसने ये कही। उसके उसने कहा है कि हाँ जब हम सफरिंग देखते हैं तो हम ट्रेजिक की डायमेंशन में जाना शुरू हो जाते हैं,
अब ट्रेजेडी नहीं कहा, ट्रेजेडी की डिमेंशन कहा। व्हाट अ बॉन्ड फैमिली आर माइनिंग डिजास्टर्स, जो माइनिंग डिजास्टर होता है बड़े बहुत ही गहरे किस्म के। माइन का मतलब होता है वैसे उसको केव को, गार को कहते हैं माइन। उसके माइनिंग डिजास्टर का मतलब हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिजास्टर जब होते हैं, फैमिली को जल जाती है, विच लीव्स पीपल विदाउट फीलिंग आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। अब जब ऐसा होता है तो उस वक्त लोग बिल्कुल इस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, लोग ईजी रहते हैं और कहते हैं कि दीज आर द एक्सीडेंट्स। हालांकि डेथ तो वहाँ भी हुई है, डेथ एक करेक्टर की ट्रेजेडी में भी होती है, डेथ पूरी फैमिली की भी हुई है। एक जगह पर हम रिस्पांस देते हैं, एक जगह पर नहीं देते। राइटर सिर्फ अपनी एक बात को तकवीत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम इवेंट और रिस्पांस के दरमियान कोई डिस्टिंग्विश, कोई वाजे लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट टू एन इवेंट। वो इस तरह दिखा रहा है, हम ये नहीं कहते भी ये इवेंट होगा तो उसका रिस्पॉन्स ये आएगा, वो कह गए ऐसा नहीं होता। हम इसे रिस्पॉन्स और इवेंट को अलग अलग रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक इवेंट होता है रिस्पॉन्स कई किस्म के आते हैं। अच्छा, इवेंट एक जगह पर आप देखें कि एक आदमी ने अपने आप को आग लगा दी या उसको आग लगा दी गई, वो जल के मर रहा है, तो आप लोग बहुत ट्रेजिक हो जाते हैं, आप बड़ा दुख का इजहार करते हैं। अगर वो एक्सीडेंटली हो जाए तो आप कह रहे हो अच्छा जी सिलेंडर फट गया, कोई गवाह नहीं, चलो ये तो एक्सीडेंट है। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर, वैसे ओवरऑल हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, कितने लोग रोजाना मर जाते हैं बेचारे, और कितने अरसे से मर रहे हैं, और कई बार का तो 30-40 लोग भी इकट्ठे ब्लास्ट में बेचारे फौत हो गए हुए हैं ना। लेकिन आपको याद होगा एक बार दो नौजवान थे, पता नहीं वो सहीवाल का इलाका था कहाँ था, जहाँ पर उनको डंडे मार मार के उन्होंने मार दिया था सियालकोट, और उनको उल्टा लटका दिया था, उन पर मक्खियाँ बैठी हुई थी। किस किस ने ये सीन देखा था? मानी आपने देखा था जी, बट तो उसको कितना ज़्यादा देखा था हमने, बहुत ज़्यादा देखा था। हालांकि वो जो ब्लास्ट मरे हैं वो भी तो ऐसे बदतरीन तरीके से मरते हैं, ये मरते हैं, मौत दोनों की हो रही है। राइटर कहते हैं कि रिस्पांस डिफरेंट है, एक पर आपने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया, एक पर रिस्पांस आप इंडिपेंडेंस जो करना भी एक्सीडेंट है कोई बात नहीं। तो इसे रिस्पांस को और इवेंट को आप अलग अलग नहीं रख सकते, उनको अलग अलग बात उसकी नहीं कर सकते। एक बात बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवेंट्स नॉट सीन एज ट्रेजिक आर डीप इन द पैटर्न ऑफ आवर ओन कल्चर। अच्छा, एक मसला और भी है इवेंट के साथ, इवेंट्स नॉट सीन एज ट्रेजिक आर डीप इन पैटर्न ऑफ आवर ओन कल्चर, वॉर, फैमिन, वर्क, ट्रैफिक एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, एक अब कल्चरल प्रॉब्लम भी है, अगर आपके कल्चर के अंदर वार बहुत ज़्यादा है, आपको वो चीज़ ट्रैजिक नज़र नहीं आएगी, दूसरों को कत्ल करना, मारना या अपने लोगों का मर जाना आप ज़्यादा ट्रैजिक फील नहीं करेंगे। आप पिछले दौर में देखते थे ना, जब जंगे बहुत ज़्यादा होती थी, मैनुअल जंगे होती थी, हाथ के साथ तलवार के साथ लड़ते थे, आप पुरानी फिल्में देखते होंगे, तो उस वक्त जब बंदे मर जाते तो वो उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं या उठाते हैं या उनको रेडियो के साथ बांध कर ले जाते हैं। दे हैव नॉट द कंपैशन ऑफ ट्रैजिक, ट्रैजिक पैशन नहीं है उनके अंदर। और हालांकि हमारे यहाँ यहाँ पर एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी लड़ाई करके मर जाए तो हम जरी बात है उनको इस अंदाज से नहीं बल्कि उसके ऊपर पिटी शो करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपके कल्चर के अंदर रूटेड है वार, तो आपको वार ट्रैजिक लगेगी नहीं। अगर आपके कल्चर में कहत वो रूटेड है बहुत ज़्यादा कहत होती है, आपको कहत जो ट्रैजिक नहीं लगेगी। सेम लाइक अगर पाकिस्तान के लोग सुबह से लेकर रात तक काम किए जा रहे हमें लगता है कि ये ट्रैजिक है? हमें कभी नहीं लगता। हम बल्कि क्या कहते हैं, काम, बस दिन रात काम करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, हम ये कहते हैं, हमें वो ट्रैजिक बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि एक यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ शख्स, उसको महसूस होता है कि यार 3-4 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ये तो बेवकूफ़ी है, इंसान सारा दिन काम करता रहे पागलों की तरह। तो हमें वर्क जो है ट्रैजिक लगता है? यस, हेलो,
हेलो अच्छा जी, सेम लाइक ट्रैफिक है वो हमें ट्रैजिक नहीं लगती, हालांकि ट्रैफिक भी ट्रैजिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, शोर होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, दैट कैन बी ट्रैजिक, लेकिन वो हम उसके अंदर रूट डीप रूटेड इतनी होती है कि हमें वो ट्रैजिक नहीं लगती। एंड पॉलिटिक्स और सियासी अमल दखल जोर तोड़, आपका फिनांस डूब जाता है। अच्छा, आपको महसूस हुआ है कि आपको बड़ा नुकसान हुआ है पिछले दिनों, आप जितने भी वो थी घर से जितने भी, उनकी कीमत आधी हो गई है, देखो ना, हम अब डीप रूटेड है ये चीजें। डॉलर की कीमत जब बढ़ेगी तो आपकी कीमत जो है घरों की वो आधी हो जाती है, फिर क्वार्टरली हो जाती है, जितनी डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी तो आपकी कीमत जो एहसास हैं उनकी कीमत आधी होती जाएगी, कम होती जाएगी। सर बल्कि मैंने तो ये सुना था इसकी परचेज से बढ़ गई है। हाँ, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। डॉलर की नहीं, ये प्रॉपर्टी की। नहीं, वो नहीं बढ़ी, वो पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन है, मैं टीवी पर कल प्रोग्राम देख रहा था तो कल वो कह रहे थे टीवी पर कि जी डॉलर की कीमत एकदम जंप कर गई है, जिसकी वजह से आपकी तमाम लोगों की जायदाद जो है, जो उनकी वो चीज़ें हैं बिलोंगिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं। और पहले लोग 78,000 रुपया हर बच्चा जो पैदा होता, 78,000 उस पर वो होता था कर्जा होता था, अब जो है 94,000 रुपया कर्जा है डॉलर कीमत बढ़ने से। तो हमें चीज़ें महसूस हुई हैं, बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि दीज आर डीप रूटेड, हम इनके बहुत आती है ना, हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन यूरोपियन तो वो धाड़ के एहतजाज करते कि ये क्या हो गया हमारी इकानमी के साथ, हमारे पॉलिटिक्स के साथ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे, है ना। तो अब ये पॉइंट है, तो इन चीज़ों के बाद अब कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उनके फिर आप रिस्पॉन्स कहाँ रहे, अब हम रिस्पॉन्स नहीं देते, हम रिस्पांस बिल्कुल नहीं देते इन चीज़ों को। जो रिस्पांस जिन चीज़ों को नहीं देंगे तो फिर कैसे ट्रेजेडी को हम कह सकते हैं कि दैट इज इवेंट एंड रिस्पांस, ये चीज़ का ताल्लुक है आपस में। वो कहता है कि रिस्पांस का इवेंट के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना ही ताल्लुक हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि एक इवेंट के कई रिस्पॉन्स पॉसिबल हैं। वो सिर्फ ये समझना चाहता है कि इवेंट और रिस्पॉन्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इवेंट के एक इवेंट के कई रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक इवेंट डॉलर की कीमत बढ़ना ये एक ट्रेजेडी है, इस पर पाकिस्तान लोगों का कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन वो जो इस्तेमाल जो चाइनीज हैं हो सकता है उनके लिए बड़ा रिस्पॉन्स हो, उनके यहाँ डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो वो बड़ा रिस्पॉन्स हो गए, दैट इज वेरी ट्रेजिक हो गए इस चीज को। तो इसलिए इवेंट का रिस्पॉन्स को चलो। ओके जी, टू फील नो ट्रेजिक मीनिंग इन देम इज अ सॉर्ट ऑफ अवर बैंकक्रप्टसी। अगर हम कोई ट्रेजिक फील नहीं करते किसी चीज के अंदर, ये हमारा एक किस्म का दिवालियापन भी है। अगर हम ट्रेजिक चीजें होती जरूर हैं, अगर हम उसे फील नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो हमारा ये अपनी जाती दिवालियापन है। रैंक वॉज द ड्राइविंग डिवाइडिंग लाइन बिकॉज द डेथ ऑफ सम पीपल मैटर मोर देन अदर्स। रैंक जी एक डिवाइडिंग लाइन है, रैंक का होना जी किस तरह ज़रूरी है, रैंक की क्या वैल्यू है। वो कहता है कि कुछ लोगों की ट्रेजिडी के से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कुछ लोगों की ट्रेजिडी से हम नहीं होते इन्फ्लुएंस्ड। जैसे कि किंग मर जाए, गवर्नर मर जाए, कोई बड़ा लीडर मर जाए, तो उससे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, इसे रैंक का अमल दखल ज़रूरी है। अब हुआ क्या है, आवर मिडिल क्लास कल्चर रिजेक्ट दिस। अब मिडिल क्लास कल्चर तो बिल्कुल रिजेक्ट करता है किस चीज़ को, कि जी ये रैंक वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रेजेडी पुअर आदमी के साथ भी होती है, ट्रेजेडी अमीर आदमी के साथ भी होती है। द ट्रेजिक ऑफ अ सिटीजन कुड बी एज रियल एज अ ट्रेजेडी ऑफ अ प्रिंस। ये ट्रेजिक ऑफ अ सिटीजन नहीं, ट्रेजेडी ऑफ सिटीजन है। ट्रेजेडी का जो ट्रेजेडी
इवेंट का रिस्पॉन्स के साथ साबित करेंगे, तो यानी जो रिस्पॉन्स आएगा वो इवेंट की वजह से नहीं आएगा। इवेंट की वजह से रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये इवेंट का यही रिस्पॉन्स आएगा, तो ट्रेजडी होगी। हम डिसाइड ये कर रहे हैं, हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि कैसा इवेंट रखे ट्रेजडी में कि वो ट्रेजडी नजर आए, क्योंकि लोग बैठे हुए उसको ट्रेजडी समझेंगे। वो कहते हैं कि आप उस इवेंट को डिसाइड कर नहीं सकते रिस्पॉन्स के साथ, क्योंकि एक ट्रेजडी का कई, एक इवेंट का कई रिस्पॉन्स हो सकते हैं। द इमर्जिंग मिडिल क्लास रिजेक्टेड रैंक इन ट्रेजडी, और मिडिल क्लास ने ट्रेजडी को रिजेक्ट कर दिया। द इंडिविजुअल वॉज नॉट अ स्टेट, एक वैध आदमी एक पूरी स्टेट नहीं हो सकता। बट द एंटिटी इन हिमसेल्फ, एक आदमी पूरी स्टेट तो नहीं है, लेकिन एक आदमी अपने अंदर तो पूरी स्टेट रखता है। इसलिए जो मिडिल क्लास है उन्होंने इंडिविजुअल ट्रेजेडी को ट्रेजेडी कंसीडर किया है कि यस दैट इज अ पॉइंट। ऑर्डरिंग ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। अब ऑर्डर की बात करें, अब देखो पीछे बात उसने की है इवेंट की, रिस्पांस की और अपना रैंक की, तीन बातें की हैं पिछले पैराग्राफ के अंदर, लेकिन तीनों बात उसे तीनों की चीज़ों के बारे में डिबेट की है सिर्फ। उसने कोई इसके पैमाने नहीं बनाए, कोई रूल नहीं बनाए, कोई रेगुलेशन नहीं, उसने सिर्फ डिबेट की है ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ऑर्डरिंग ट्रेजडी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। एक्शन का रिजल्ट जो है ऑर्डर है, मूवमेंट होगी तो ऑर्डर आएगा ना, एक्शन होगा, कोई चीज आगे बढ़ेगी, कोई मूवमेंट करेंगे आप तो तरतीब बनेगी किस चीज़ की। ऑर्डर एंड ट्रेजडी इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन। इन ट्रेजडी द करेक्शन ऑफ ऑर्डर इज, क्रिएशन ऑफ ऑर्डर इज रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ डिसऑर्डर थ्रू विद द एक्शन मूव्स। ऑर्डर का भाई, अब ट्रेजडी के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऑर्डर के तौर पर डिसऑर्डर से है। ईडीपीएस स्टेज पर ठहरा हुआ है, मैं ईडीपीएस एग्जांपल लेता हूँ। इवेंट तो डिसऑर्डर में पड़े हुए हैं, कब क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, दो महीने पहले क्या हुआ, छः महीने पहले क्या हुआ, ये सारा डिसऑर्डर पड़ा हुआ है। उसको ऑर्डर तो ईडीपीएस ने आकर दिया है। ट्रेजडी के तरतीब का तल्लुक तो उसकी बेतरतीबी से है। अच्छा चलो मैं आपको ये कहता हूँ भाई, जब आप कोई भी ड्रामा लिखते हैं तो उसमें पहले आप बेतरतीबी रखते हैं ताकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएं कि भैया इसके धागे सिरे कहाँ पर हैं, कौन चीज किस चीज से जुड़ी हुई है, इसका मकसद क्या है, इसके मॉरल क्या है, सिचुएशन क्या है, हो क्या जाएगा, क्या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये डिसऑर्डर है सारा। ऑर्डर तो ये है, ये विलन है, ये हीरो है, ये चलता जाएगा कि जाके विलन मर जाएगा, ये ऑर्डर है। बिल्कुल, ये बात भी इन्होंने ठीक एग्जांपल दे दी है कि अगर ईडीपीएस में वो बर्थ से ही दिखा लेते उसको, सीख में सीधा कर देते तो डिसऑर्डर ना होता, वो ऑर्डर होता। पता लगता कि यही बच्चा है जब आगे आगे ऊपर, उसने उसको डिसऑर्डर को ऑर्डर दिया है बात, तो ऑर्डर का मतलब डिसऑर्डर से इतनी बात याद रखनी है। थ्रो विद द एक्शन मूव्स, और इसी ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान ही सारा एक्शन होता है, यानी कि ड्रामे का आगाज जो है एक अपसर्ज और डिसऑर्डर है, और ड्रामे का एंड जो है वो ऑर्डर है। ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान ही सारा ड्रामा होता है, एक्शन होता है।
It may be the pride of man set against the nature of the things. It may be the pride of man set against the nature of things. चीजों की नेचर के खिलाफ शायद इंसान की कोई प्राइड रखी जाए, ये ऐसा एग्जांपल हो सकता है ऑर्डर और डिसऑर्डर का. इन डिफरेंट कल्चर्स डिसऑर्डर एंड ऑर्डर बोथ वेरी. मुख्तलिफ कल्चर के अंदर ऑर्डर और डिसऑर्डर मुख्तलिफ होते हैं. एक मजहबी कल्चर के अंदर हो सकता है कि दो लोगों को शादी से पहले मिलना नसीब ना हो, मिलने से ना मिलने तक ये डिसऑर्डर से ऑर्डर हो, एंड पर दो लोगों की जुदाई जो है ये डिसऑर्डर हो जाए, कि शर्म हया कायम रही सारे अपने अपने काम. और एक और सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि उसका डिसऑर्डर जुदाई हो और ऑर्डर उनका मिलन हो. मुख्तलिफ कल्चर में ऑर्डर और डिसऑर्डर भी मुख्तलिफ है, यानी कि इसके भी ट्रेजी पर असरात हैं. ट्रेजी का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ट्रेजी का डिसऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो ये भी तयन करेंगे. तो मुख्तलिफ कल्चर है तो मुख्तलिफ अंदाज देखेंगे. एक ट्रेजी आप दिखाते हैं, शुरू करते हैं, एंड पर आप लवर को मिला देते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं उनको, विदाउट मैरिज दे आर हगिंग. तो व्हाट इज दिस, ये तो एक आदमी कहेगा जो बैठा हुआ लिबरल है, ही विल से दैट इज राइट एंड जस्टिफाइड, वेरी गुड, ही विल क्लैप फॉर इट, उसके लिए ऑर्डर हो गया है. अदर पर्सन वो कहेगा टीवी में ये दो जो एक्टर ठहरे हुए हैं ये तो पहले ही आपस में नामहराम है, और वैसे भी ये नामहराम है, और ये कैसे मिल सकते हैं, ये तो बड़ा ही डिसऑर्डर है, वो कहेगा. वो एक चीज उसके लिए ऑर्डर है, दूसरे के लिए डिसऑर्डर है. ट्रेजडी अब लिखेंगे तो आप बाकी समझ कर ट्रेजडी लिखेंगे. जब लिखेंगे आपकी ट्रेजडी का दौर होगी और आपकी ट्रेजडी लिखी हुई यहाँ पर शायद उसकी जिस तरह अवैस ने वो लिखा था कमेंट मेरी पोएट्री की बुक पर, उसने कहा था मुझे यकीन है. अब वो कमेंट जब लिखवाते हैं मुख्तलिफ राइटर के तो वो बड़ा ही कमाल कमाल करके लिखते हैं जी, बड़ा कमाल, ये जी एम के भुट्टा जी कमाल लिखता है, कमाल कर देता है, वाह 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 क्या बात है इनकी जी, मुझे बड़ा पसंद है. उसने उसे कमेंट में लिखा था, उसने कहा था
मुझे यकीन है कि ये किताब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप इस पर कर्मन की बिजली गिरा कर इसे जलाकर खाक कर देंगे, क्योंकि होती आई है अच्छों को बुरा कहना, इस तरह करके उसने लिखा था। तो कैलेबर है ना, और अगर आप ट्रेजेडी इस कैलेबर पर लिखेंगे तो यहाँ पर रिजेक्टेड है इस दौर में, लेकिन फ्यूचर में जिस तरह इब्सन के साथ हुआ था उस टाइम में उसको किसी ने नहीं पहचाना, उसके बाद उसको सबने कहा जैसे एक्सीलेंट वर्क। आजान हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ ले, मैं वापस आता हूँ। आज दिन जरा डल है। नहीं, दिन का पहला ऐसा टल टल था। साल में डल हो गया। इन डिफरेंट कल्चर्स दिस ऑर्डर एंड ऑर्डर। आप घबराए नहीं, आज आपको एक डिश भी टेस्ट कराई जाएगी। अच्छा। हाँ जी, अभी कराते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको 7:30 बजे तक हम क्लोज कर दें। इन डिफरेंट कल्चर्स दिस ऑर्डर एंड ऑर्डर बोथ वेरी, फॉर देयर आर पावर्स ऑफ वेरिंग जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। जिसका मतलब बताएंगे सना मुझे। वहाँ पर लाइफ की इंटरप्रिटेशन ही डिफरेंट होती है। वी शुड सी दिस वेरिएशन एज एन इंडिकेशन ऑफ द मेजर कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेजी एज फॉर्म ऑफ आर्ट। और हम ये देख सकते हैं कि कल्चरल इम्पोर्टेंस ट्रेजी की भी देख सकते हैं, इसी लिहाज से फॉर्म ऑफ आर्ट के तौर पर। कई कल्चर ऐसे हैं जो ट्रेजी को लाइक नहीं करते, और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर इस वक्त, चलो पाकिस्तान में मैं आपको बता दूँ, कराची कल्चर के अंदर ट्रेजेडी को लाइक किया जाता है और लाहौरी कल्चर के अंदर कॉमेडी को लाइक किया जाता है। जितने भी कॉमिक ड्रामास क्रिएट हुए हैं, ये स्टेज ड्रामास बने हैं, ये आपकी क्रिएशन है लाहौरी की, और जितने भी संजीदा ड्रामे हैं वो सारे के सारे कराची की प्रोडक्शन है। तो ये कल्चरल भी इम्पोर्टेंस देते हैं ट्रेजेडी को या नहीं देते ट्रेजेडी। अब एक कल्चर के अंदर ट्रेजेडी को इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं, तो आप वहाँ पर ट्रेजेडी चलाएंगे, लोग तो बड़े मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे व्हाट इज दिस, ये तो कुछ भी नहीं है, हम ये देखने के लिए नहीं आए थे। द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज दैट
अब कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी के है इज दैट इट इज एन एक्शन इन विच द हीरो इज डिस्ट्रॉयड। भाई आम लोग कहते हैं भाई ऐसी ट्रेजेडी जिसके अंदर हीरो मर जाए वही ट्रेजेडी होती है। द फैक्ट इज सीन इरिपेयरेबल। अब ये मौत एक ऐसा एलिमेंट है जो इरिपेयरेबल है, स्पेशली आप इसी को देख लें, एक्शन को छोड़ लें, मौत ही एक ऐसा एक्शन है, ऐसा काम है जो इरिपेयरेबल है, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इन मोस्ट ट्रेजेडीज द स्टोरी डज नॉट एंड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। लेकिन बहुत से ट्रेजेडीज है जहाँ हीरो की डेथ नहीं होती, इट फॉलोज ऑन, सिलसिला जारी रखता है। इट इज नॉट अ जॉब ऑफ द आर्टिस्ट टू प्रोवाइड आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। भाई आर्टिस्ट का काम ये नहीं है कि वो आंसर और सॉल्यूशन करता रहे, बट सिंपली डिस्क्राइब एक्सपीरियंस एंड रेज क्वेश्चंस। अब एक नई इंटरप्रिटेशन ये आ गई है कि व्हाई वी ऑलवेज सर्च द क्योर, सर्च द कॉज एंड आफ्टर दिस वी डू द क्योर। ये तो ट्रेजेडी का काम नहीं, ट्रेजेडी का काम ये है कि ट्रेजेडी जो है वो होने वाले एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करें। अच्छा इमीडिएट एक्सपीरियंस का मुझे एक और फायदा नजर आ रहा है, वो ये है कि अगर आप काज और क्योर की तरफ जाते हैं तो एक आर्टिस्ट को माशरे में होने वाले ऑलरेडी हैपेंड इवेंट को सामने लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई इसका काज और क्योर तलाश कीजिए। इमीडिएट एक्सपीरियंस के अंदर आप लोग वो एक नया तजर्बा लेकर आएंगे सामने जो बिल्कुल फ्रेश और न्यू होगा और क्रिएटिव होगा, और लोग उस तजर्बे से गुजार देंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे। बजाय इसके कि काज और क्यों ढूंढने बैठे, लोगों को नए तजर्बे में से गुजार कर उनको ज्यादा प्यूरिफाइड करके ज्यादा अच्छा कर दें, ये क्यों ना कर दें। लोगों को बजाय इसके कि सारा कुछ समझाने के सिविलाइज हो जाओ, उनको एक इंजेक्शन ही लगा दो सिविलाइज होने वाला। ये अगर इंजेक्शन आ गया तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि एक बंदे को सिविल करने के लिए आपको 20 साल लगते हैं, किताबें पढ़ा 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 उसके बाद वो सिविल होता है। इंजेक्शन लगाने से सिविल हो जाएगा, 20 साल का आपका टाइम बच जाएगा। तो इस इमीडिएट एक्सपीरियंस भी तो यही है एक तरह से देखा जाए तो। ट्रेजिक जो आर्टिस्ट है एक ऐसा एक्सपीरियंस रिमेंबर रखता है जिसमें से आर्टिस्ट को गुजारता है, वो पिछले क्योर और क्योर छोड़ो उसको एक नया आदमी बुलाकर घर भेजता है, जैसे भी मॉडर्न आइडिया हो सकता है। उसको भी कह सकते हैं हम, ऑडियंस भी तो पार्टिकुलर रिस्पांस देंगे एक्सपीरियंस के जरिए, लेकिन आर्टिस्ट जो है उसको क्रिएट तो करेगा ना उस एक्सपीरियंस को, जो लोग उसमें से गुजरेंगे तमाम लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे या पार्टिकुलर लोग एक्सपीरियंस जो करेंगे, एक्सपीरियंस को क्रिएट करने वाला तो कमाल करेगा कोई ना कोई आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का काम है कि वो एक्सपीरियंस और रेज क्वेश्चन रेज करे। मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो। मॉडर्न ट्रेजेडी ये नहीं है कि हीरो के साथ क्या हुआ, बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, बल्कि मॉडर्न ट्रेजेडी ये है कि हीरो से क्या हुआ। जब हीरो से क्या हुआ बात होती है तो उस वक्त आपके बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि हीरो कत्ल हो गया, मर गया हीरो, हीरो के साथ क्या हुआ ये नहीं देखना, हीरो की वजह से और क्या डिस्ट्रक्शन और तब्दीली आ गई है ये देखना है, कितने घर और उजड़ गए हैं या कितने लोगों को और फायदा हुआ है ये भी देखना है। आप हीरो पर फोकस नहीं करना, सिचुएशन पर फोकस करें। When we concentrate on the hero, we are unconsciously confining our attention to the individual. ये अंडरलाइन कर लेना। जब हम सिर्फ हीरो पर कंसंट्रेशन करते हैं तो हम एक फर्द पर कंसंट्रेशन कर देते हैं। The tragic experience lies in the fact that life does not come back, that its meanings are reaffirmed and restored after so much suffering and after so important a death.
इस लाइन का मतलब ये है, राइटर कहना चाहता है कि डेथ ही वो एलिमेंट है जो इररिपेयरेबल है। दुनिया के तमाम तर सफरिंग्स, तमाम तर मसाइल का वजूद ही डेथ की वजह से है, इसलिए ट्रेजेडी के अंदर डेथ होनी चाहिए। जी, डेथ दुनिया का अहम तरीन टॉपिक है, वो कहता है डेथ से बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। आपकी वर्थ डेथ की वजह से है, आप जिंदा हैं, जिंदा इसलिए कि आप डेथ में नहीं हैं, जिंदा इसलिए क्योंकि डेड जो है वो कब्र के नीचे है, ऊपर है। मौत से ही आपके सारे जावे डिटरमाइंड होते हैं, आपकी जिंदगी डिटरमाइंड मौत से है। डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो कहता है कि पहली में डेथ का होना जरूरी है, उसी से सारे सफरिंग हर चीज। मॉडर्नाइजेशन में नहीं थी, लेकिन रेविड विलियम का ख्याल है कि डेथ का एलिमेंट को यू भी देखें कि डेथ सबसे डिटरमाइन तो करती है। उसे ब्रैकेट का रेफरेंस दिया है उसने, लेकिन उसे ये तो नहीं कहा कि ब्रैकेट 100% ठीक है। उसे तो किसी को नहीं कहा कि कौन सा 100% ठीक है, उसे तो कहा कि ये कंसीडर करो, ये चलो आगे पढ़े, हो सकता है ना हो। देखिए डेथ गिव्स इम्पोर्टेंस, देखो बेटा डेथ गिव्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ, यही सेंटेंस मैंने पढ़ाना था, ये क्लियर होगी यहाँ से। द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रिंग्स अलॉन्ग द होल कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड एंड आगे उसने कुछ लिख रहा था, उसने कहा एंड से फुल स्टॉप ला, उन्होंने समझ नहीं, उन्होंने एंड से ला लेता है। बल मुझे इतनी बार समझ जरूर आई कि डेथ की वजह से, एक इंडिविजुअल की डेथ की वजह से कम्युनिटी जो है उसकी फॉर्म, उसके रिचुअल्स वगैरह सारे बनते हैं। एक आदमी की डेथ ना हो तो रिचुअल किसी काम के नहीं है, वो रिचुअल, वो कम्युनिटी, कम्युनिटी का रिलेशंस, हर बात की जुड़ी हुई है, वो यार मर जाना है, सब चीज़ छट जानी है, यार मिलजुल के रहो, यार ये कर लो वो कर लो। कंडोलेंस एज इन एडम बीट, सो इन एडम बीट सो ट्रेजेडी इज सोशल एंड कलेक्टिव and not individual and personal death is absolute. Adam Beat के ताज़ियत जो है बाप तो बने नहीं, so tragedy is social. अच्छा, यानी कि Adam Beat के अंदर अगर किसी की डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, उसके अलावा पहले भी एक करेक्टर की हुई थी, व्यास भी बीट था। एडम के फादर की जब डेथ हुई तो क्या हुआ है वहाँ पर, वहाँ पर सोशल फिनोमेना स्टार्ट हो गया है ना, वो यही बात कर रहा है। ट्रेजेडी सोशल, जब किसी भी शख्स की ट्रेजेडी होती है तो वो सोशल होती है, सोशली सारे सोशल सारे रिचुअल्स एंगल्स डिटरमाइंड होते हैं, एंड कलेक्टिव होती है एंड नॉट इंडिविजुअल, एंड पर्सनल डेथ इज एब्सोल्यूट। भाई पर्सनल डेथ, इंडिविजुअल डेथ यही सब कुछ नहीं है, बल्कि डेथ से जुड़ी हुई असल चीज़ जो है वो है माशरा, यानी कि डेथ से माशरा डिटरमाइंड होता है। डेथ से तमाम रिचुअल्स डिटरमाइंड होते हैं। अब उसको करना क्या है, डेथ को, डेथ को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। एंड ऑल आवर लिविंग सिंपली रिलेटिव डेथ इज, और हमारे तमाम तर लिविंग का ताल्लुक डेथ से है। नेसेसरी एंड ऑल अदर ह्यूमन एंड्स आर कॉन्टिजेंट। अच्छा जी, अब तो डेथ नेसेसरी भी है, अच्छा डेथ नेसेसरी भी है,
और तमाम इंसानों का एंड जो है ये सोशल एक एक्टिविटी है, सोशल कलेक्टिविटी है, कि डेथ अगर नेसेसरी इसलिए है कि डेथ ना हो तो हम तमाम इंसानों का होने का मकसद कोई नहीं होगा, उसकी डिटर्मिनेशन कुछ नहीं होगी इंसान की। एंड डेथ इज यूनिवर्सल सो अ मैन टाइड टू इट क्विकली क्लेम्स यूनिवर्सलिटी। इसलिए इस लाइन का मतलब यह है कि डेथ क्योंकि यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में डेथ है, इसलिए डेथ ही वो वह एलिमेंट है जिसके ऊपर तमाम तर लोग सेम रिस्पांस दे सकते हैं। डेथ से लेकिन डेथ के साथ सारे जुड़ तो सकते हैं ना। अब जब सर फॉर एग्जांपल यहाँ जरदारी की डेथ हो जाए तो वो देखें एवरी पर्सन का डिफरेंट रिस्पांस होगा। चलो अच्छा ठीक है, एवरी पर्सन का डिफरेंट रिस्पांस तो होगा ना, रिस्पांस होगा, कोई ना कोई सारे पहले जुड़ तो जाएंगे ना उसके ऊपर इश्यू पर कलेक्टिव फिनोमेनन। लेकिन एक बात है, सपोज यही बात चर्च के ऊपर आ जाए, तमाम कम्युनिस्ट कहेंगे हमें क्या लेना चर्च से, चर्च में तो सारे नहीं जुड़ेंगे, चर्च के एलिमेंट आ जाएगा। डेथ पर सारे जुड़ेंगे, जरदारी की डेथ मसला नहीं है, ठीक है। वो भी ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही डेथ है, उसे के डेथ का होना इसलिए है क्योंकि डेथ के साथ यूनिवर्सल एक ताल्लुक है, सबका ताल्लुक है, सबने मरना है, सबका ताल्लुक बन जाता है डेथ से, इसलिए डेथ का एलिमेंट होना चाहिए। ये बात मान सकते सो मैन टाइट टू इट क्विकली, इसलिए इंसान क्विकली तेजी के साथ इसके साथ जुड़ जाता है डेथ के साथ, क्लेम्स यूनिवर्सलिटी क्योंकि यूनिवर्सल एक चीज फेनोमेना है। मैन डाइज अलोन इज एन इंटरप्रिटेशन एंड नॉट अ फैक्ट, इंसान अकेला मरता है ये इंटरप्रिटेशन है, ये फैक्ट नहीं है, बिकॉज मैन डाइज इन मैनी डिफरेंट कंडीशन एज एन अमंग मशीन्स ड्यू टू बम। देखो देखो क्या कहता है, बिकॉज मैन डाइज इन मैनी डिफरेंट कंडीशन अमंग मशीन्स ड्यू टू बम्स इन आर्म्स विद और विदाउट फैमिली इन देयर प्रेजेंस एंड अब्सेंस When he dies, he affects others. हाँ ये बात है ना। वो कहते हैं कि इंसान अकेला नहीं मरता, वो दूसरे पर अफेक्ट डाल के मरता है। तो अकेला नहीं मरते का मतलब ये है कि कई लोग उसके साथ और भी मर जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। अगर ट्रेजी काज और क्योर में चले जाए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर हमने पिछले दिन सफ़र किया था, तो ट्रेजी तो एक मशीन बन जाएगी, तो आपके पैशन इंसानों के ख़त्म हो जाएंगे, इंसानों के पैशन ख़त्म हो गए तो दुनिया बड़ी मैकेनिकल और रुक जाएगी। पैशन को भी साथ जिंदा रखना है लिटरेचर के लोगों ने, एस्थेटिक नित्शे उससे जमालियात पेशेंस फीलिंग्स ये नित्शे जाने नहीं देगा, वो भी अहम है। वो पिछले वाले को एक माइंड में बिठा के चलते हैं कि शादी ये होगा। When he dies, he affects others. He alters the lives of other characters. तब्दील कर देता है दूसरे लोगों के कैरेक्टर्स को। To insist on a single meaning is not reasonable. एक ही मीनिंग पर अगर आप इंसिस्ट करते रहेंगे तो दैट इज नॉट रीजनेबल। आवर मोस्ट कॉमन रिसीव्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ पुट द हाईएस्ट वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑन द इंडिविजुअल एंड हिज डेवलपमेंट, बट इट इज इनडीड इनएस्केपेबल दैट द इंडिविजुअल डाइज।
आवर मोस्ट कॉमन रिसीव्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ और द हाईएस्ट वैल्यू। और जो मोस्ट कॉमन जो इंटरप्रिटेशन लाइफ के मुतालिक है वो हाईएस्ट वैल्यू है एंड सिग्निफिकेंस है ऑन द इंडिविजुअल, कि एक आम आदमी एक इनफरादी शख्स को तरक्की करनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, ये जिंदगी की इंटरप्रिटेशन है एंड डेवलपमेंट और उसकी डेवलपमेंट है। हम कहते हैं कि हर एक इंसान की डेवलपमेंट बेहतरी और वो अच्छे मियार का होना चाहिए, बट इट इज़ इंडीड इनएस्केपेबल दैट इंडिविजुअल डाइज। लेकिन साथ ही ये बात भी हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते कि इंसान ने मर जाना है, वो इंडिविजुअल मर भी जाएगा। हम जिंदगी के बड़े बड़े मियार तय तो करते हैं लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा सकते कि इंसान ने मरना भी है, मर भी जाएगा। टेरी ड्रामाटाइज़ ईवल इन मैनी। अच्छा, ये वहाँ पर बात ख़त्म हो गई। अब उसे डिसाइड नहीं किया कि इंडिविजुअल जो है टेरी के अंदर डेथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसे ये कहा है कि अगर ट्रेजेडी के अंदर डेथ होती है तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, इस पर मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकते हैं, इस बात से मैक्सिमम लोग इस बात से मुत्तफिक हो सकते हैं। जी सुहेल भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो मैं कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ। Ready? ये पेज नंबर के टेरी ड्रामेटाइज़ ईवल इन मैनी पार्टिकुलर फॉर्म्स। अब ईवल भी कई किस्म में वो फॉर्म में दी जाती है, नॉट ओनली क्रिश्चियन ईवल बट ऑल्सो कल्चरल पोलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। अच्छा अब ये भी दिलचस्प बात है, ईवल एक नहीं है कि सिर्फ मज़हब की ईवल हो, उसी में ईवल होते हैं, कल्चरल ईवल भी तो होती हैं, पोलिटिकल ईवल भी तो हैं, साइंटिफिक ईवल भी तो हैं। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर वायरस का कोई अमल दखल नहीं है, वायरस के लिए कंप्यूटर भेजो ना भेजो, ठीक है, कंप्यूटर ही गलत है तो वायरस किसी को भेजो ना भेजो, क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस है, कंप्यूटर का है ही नहीं, वो तो क्रिमिनल है, कंप्यूटर आ गया है, वो तो जिंदगी के लाइफ के प्लान में नहीं था, उसमें वायरस भेजो ना भेजो वो तो ईवल ही नहीं है। तो कंप्यूटर के साइंटिफिक ईवल तो अलग होंगे, गुड एंड ईवल आर नॉट एब्सोल्यूट। वाह वाह, रेमंड विलियम कहता है, वो कहता है कि गुड और ईवल एब्सोल्यूट नहीं, एक कंसीडरेबल है, एक वक्त में एक दौर में कंसीडर किए जा सकते हैं, वी आर गुड और बैड इन पार्टिकुलर वाइज एंड इन पार्टिकुलर सिचुएशंस डिफाइंड बाय प्रेशर्स वी ऐड टू वन रिसीव्ड एंड कैन अल्टर एंड कैन क्रिएट अगेन। डिफाइंड बाय प्रेशर्स वी ऐड वन रिसीव्ड, एक जगह पर हम चीज़ रिसीव करते हैं अंडर प्रेशर एंड कैन अल्टर, और फिर बाद में तब्दील भी कर सकते हैं उसी प्रेशर के नीचे, एंड कर क्रिएट अगेन, दोबारा क्रिएट कर सकते हैं उसको,
मीन ये कि हम सिंपल ये कहते हैं कि एक ही आपका एक्ट डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट है, एक ही एक्ट आपका वो अगर जो आप लिबरल कोई एटीट्यूड रखते हैं वो लिबरल एटीट्यूड आपका रशिया के अंदर इंतहाई बुरा है, गलत है, और वही लिबरल एटीट्यूड आपका न्यूयॉर्क के अंदर बहुत अच्छा है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बस जी रिजेक्शन ऑफ ट्रेजी इसे कल रख देंगे हाथ, आज हमने कंटेम्प्रेरी आइडियाज पढ़ लिया, कल रिजेक्शन ऑफ ट्रेजी अगर टाइम मिले तो एंड पर फिर पढ़ेंगे। क्लोज जी उठाएं ये सब चीजें, ऐसा करें उमर भाई रोटियां ले हैं, रोटियां उमर भाई रोटियां ले हैं।